बदायूं जिले में एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर ने वीडियो वायरल करके कहा कि कोविड को रोकने के लिए विभाग चाइनीज सामान का प्रयोग कर रहा है, जबकि जो किट कोरोना वायरस की जांच के लिए उपयोग की जा रही है उन सब पर मेड इन चाइना लिखा है, जबकि देश चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहा है। नवबारा समाचार बदायूं उत्तर प्रदेश से सौरभ पाल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश प्रताप सिंह, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एमपीएससी कचला एंड करंटली वर्किंग एट आश्रा आवास कोविड केयर सेंटर अलवर। दोस्तों, अभी जो देश में माहौल चल रहा है वो चाइना का विरोध हो रहा है, और ये जो वायरस आया है वो चाइना से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मित्रों, हम सबको मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाइना के एप्स और चाइना के हर आइटम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें यहां पर आशा आवास में मेड इन चाइना किट्स दी जा रही हैं, मेड इन चाइना आइटम्स दिए जा रहे हैं। कभी आपने सुना होगा दोस्तों, बचपन में मैंने भी पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में गाय और सुगर की चर्बी लगे हुए कारतूस जो है सैनिकों को दिए गए, उस टाइम पे जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनको दिए गए, तो उसका विरोध हुआ, क्रांति आई, मंगन पांडे ने अपना एक्शन लिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीजें दिल को आहत करती हैं। जब चाइना हमारे जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, हमें जो इतना इरिटेट कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसके बारे में स्टेप लेने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और मेड इन चाइना को रिजेक्ट किया जाए। तो इस समय ये मेड इन चाइना वाली किट मैं भी 2-3 दिन से पहन रहा था, तो मैंने देखा कि वो किट जो है इजीली फट जा रही है और जो है बहुत ही पतली है, बहुत ही दोयम दर्जे की किट है और साइज के हिसाब से भी ठीक नहीं थी। तो मैंने उसे देखा कौन सी कंपनी की है, जब मैंने देखा तो पता चला कि वो मेड इन चाइना है। तो ये इस प्रकार की किटें देना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अगर कोई ये मुझे लिख के दे दे कि चाइना की किट सेफ है, तो ही हम लोग उसका यूज करेंगे। हम सभी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे जितने भी हैं सब लोग इसके खिलाफ हैं, मेड इन चाइना की किट्स हम नहीं पहनेंगे। हमें अपने इंडिया की, अपने भारत की, अपने भारतवर्ष की किट्स दीजिए। ढेर सारा प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, इवन पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर सबका हो रहा है, तो फिर ये चाइना से आयात करने की इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई, मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही। या कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसके द्वारा गए चाइना का आइटम सस्ता आता है तो दे दिया जाए, कोई बात नहीं। दूसरा जो है, कोविड केयर सेंटर में हमने कई बार जो है लेटर जो है उच्चाधिकारियों को दे चुके हैं, वो एक दूसरे पर टालम टोल करते रहते हैं, कभी नौकरी की धमकी देंगे कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो भाई नौकरी से निकाल दो, नौकरी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेडिकल ऑफिसर के लिए, लेकिन मैं जब तक हूं, मेरे दिल में जब तक जान है, मैं राष्ट्रहित की बात उठाता रहूंगा। आप मुझे चाहे मेरे पद से हटाओ या चाहे आप ऊपर तक सोर्स लगा करके कहीं पर भी मेरी नौकरी से मुझे हटा दो, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ में मेरे वार्ड बॉयज, मेरे स्वीपर्स और मेरे डॉक्टर भाई, जितने भी चिकित्सक भाई हैं और जितना भी स्टाफ है, वो जो सेवा कर रहा है देश की, मैं उसकी आवाज उठाऊंगा और इस आवाज में आप सब लोग मेरा साथ देंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं कोई यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि मैं अपने देश भारत का निवासी हूँ और मेरे देश में मेरे देश के ही आइटम यूज हों, ना कि किसी चाइना के, क्योंकि चाइना पे तो कोई पूरा विश्व में से कोई भी एक भी देश भरोसा नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों ये किटें आ रही हैं, क्यों हमारे जो है कोरोना वॉरियर्स के लिए घटिया किस्म का खाना दिया जाता है, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इनसे उनका भी परिवार है। तो इसका जरा ध्यान रखें, जो भी उच्चाधिकारी मेरी बात सुने उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई इस पर जरा एक बार आप सब लोग महानुभाव गौर फरमाएं और जहां तक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है ये पहुंचे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है माननीय राज्यपाल महोदय और स्वास्थ्य मंत्री जी और
यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ताकि वो इस पे स्टेप लें और खासकर चाइना के खिलाफ, तो चाइना के आइटम्स के खिलाफ तो स्ट्रिक्ट स्टेप चाहिएगा, क्योंकि जो देश मेरे देश का दुश्मन है मैं उसकी किट्स का यूज नहीं कर सकता, मेरे मेडिकल ऑफिसर्स भी नहीं कर सकते, मेरे वो भी नहीं कर सकते, वार वॉर स्वीपर्स। मैं टीम लीडर होने के नाते ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने देश के हित में कार्य करूं, जब तक मेरी जान है तब तक मैं देश के हित में कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।